भाई मुंडे में आ रहे हैं। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। इधर से गिरो ना भाई, मेरा बचे कख ना। हैवी लेवल का सुकून है भाई, लेवल चेक करो इधर जो सुकून है। पाकिस्तान को बहुत एक्सप्लोर कर लिया, मतलब ज़्यादा तो नहीं किया, मतलब बहुत गया हूँ, मतलब स्वात, कश्मीर और कहाँ कहाँ। ठीक है, अब बारी है डुमेली की। डुमेली को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं भी डुमेली में कितनी प्यारी प्यारी लोकेशंस हैं। तो अभी ये रोड है कलरा से, कलरा गांव जो है ना डुमेली का, वहाँ से निकल रही है और आगे जीटी रोड से अटैच हो रही है, मतलब आगे भी और भी गाँव हैं उधर, उनको ये लिंक आ रही है जीटी रोड को। ठीक है, और लोकेशन जो है आज की वो उधर सूरज के पास है, मतलब जो टावर लगा है, खम्भा सा लगा हुआ है बिजली का, वीडियो में नहीं नज़र आ रहा, वहाँ पर हमने जाना है आज और आपको दिखाना है अभी डुमेली में कितनी कितनी प्यारी प्यारी लोकेशंस हैं भाई, अमेजिंग है भाई। मुंडे में आ रहे हैं, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ जी भाई। ये रास्ता है उस लोकेशन तक पहुँचने का, आगे इधर से थोड़ा सा ना आगे क्रश है, मतलब क्रश इसी को बोलते हैं, इधर ही था आई थिंक, यहाँ पर बजरी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, आगे जाना है थोड़ा, फिर इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है, चढ़ना है, फिर वो खंभा लगा हुआ है एक, शायद इधर कैप्चर हो जाए, ये जो खंभा लगा हुआ है ना बिजली का, इसके पास पहुँचना है और इससे आगे थोड़ा सा है जहाँ पर लोकेशन है। हाँ जी, तो ये है वो सड़क जहाँ से आ रहे थे और ये आगे डुमेली मोड़ की तरफ जाती है। ठीक है, और ये पीछे मस्जिद है और इधर सामने ये रास्ता है जिस लोकेशन पे आज मैं जा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आज की लोकेशन। सूरज ग्रुप होने से पहले पहुँचना है यार, क्योंकि मैंने क्लिक करनी है कुछ पिक्चर्स, मतलब नेचर का भी, और अगर सूरज ग्रुप होगा तो सारी मेहनत जाएगा। तो चलते हैं जी, लोकेशन अभी थोड़ी सी आगे है, अभी तकरीबन 5 मिनट लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने इस PCGC पर। ये है जी खंबा जो कि मैंने आपको नीचे से दिखाया था, वो पुल के पास, वो पुल है उधर मैं आगे खड़ा हुआ था थोड़ा सा। ठीक है, नीचे रोड है और इस तरफ जो हैं घर हैं। ठीक है जी, ये आबादी है कोई हल्की फुल्की सी, ये कलरा गांव है आई थिंक, सारा कलरा गांव है। ठीक है, और हमने अभी जाना है आगे। ठीक है जी, तो ये आप चेक करें ज़रा व्यू। ठीक है, यहाँ से अभी मैं कुछ शॉर्ट्स लूँगा अपने कैमरा में, वो भी साथ ही अटैच कर दूंगा, अदरवाइज़ मेरे टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेने हैं, इंस्टाग्राम पर भी अपलोड देखूंगा। तो ये है जी, अभी आगे मैंने जाना है। ठीक है जी, आगे मैंने जाना है, फ़िलहाल मैं यहाँ से कुछ शॉर्ट्स ले लूँ, उसके बाद फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा और जाना है, आई थिंक 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे और। अभी मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स इधर लिए हैं, ठीक है, मतलब वीडियोज़ मैंने बनाई हैं वो गांव की और ये सारी रोड की। ठीक है, आगे ये इन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया मुझे, ये जो झाड़ियाँ सी लगी हुई हैं, बाकी मुझे कोई मतलब मुश्किल पेश नहीं आई। अभी आगे चलते हैं, जो असल लोकेशन आपको दिखानी है, सूरज ग्रूब होने वाला है भाई, उससे पहले पहले हम पहुँचते हैं। इस तरह के शॉट लेने के लिए हमें वापस आना पड़ता है और अपना कैमरा भी उठाना पड़ता है भाई, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है व्लॉग बनाने में, इसलिए डेली पोस्ट नहीं कर सकते। हाँ जी, तो यार लोकेशन मुझे मिल गई है। ठीक है, उस दिन क्या हुआ है कि हम आगे गए थे इधर से, ये लिखतला को जाती है ये जो है ना कच्चा रास्ता, तो वापसी पर आते हुए मैंने ये लोकेशन देखी थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। और अभी जो मुझे एक चीज़ और मिली है भाई,
थोड़ा सा मतलब इधर से चलो, ठीक है, मतलब वो रास्ता है, थोड़ा सा इधर आके देखो यार अमेजिंग, वरना इधर खड़ा हो बैठे जैसे कैसे भी सामने वो ये कलरा गांव ही है, मुझे लगा था कोई और गांव है उधर, लेकिन ये कलरा गांव ही है। और आगे यार देखो क्या कसम से प्यारा व्यू है, आपको मैं दिखाऊं तो इधर पत्थर पर बंदा बैठे, उधर कहीं कैमरा स्टेबल करे, इधर करे, मेरा ट्राईपोड यार मिस हो गया है, जहन में आया भी था कि ट्राईपोड ले जाऊं, पर फिर मैंने कहा भाई मिस कराते हैं, पर गलती हो गई यार, अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ट्राईपोड। और इस जगह पर सुकून बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा पीस है, बहुत ज़्यादा पीस है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इधर कहीं मतलब बैठेंगे और पिक्चर्स वगैरह अपनी बनाएंगे, अपनी खुद पिक्चर्स कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत आसान सा तरीका है खुद अपनी पिक्चर बनाने का। और उसके बाद जो है यार व्यू चेक करो एक बार, सामने पहाड़ हैं, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, अमेजिंग भाई मज़ा। तो हाँ एक और बात बता दूँ भाई, ये थोड़ा सा ना रास्ता ख़तरनाक भी है जंगली जानवरों के लिहाज से, बाकी जो लटेरा मटेरा कुछ भी नहीं है इधर अल्हम्दुलिल्लाह से सेफ इलाका है। जंगली जानवरों से थोड़ा बचना, ये नहीं कि शेर शूर शेर वगैरह कोई नहीं है, हाँ भेड़िए बुड़िए उनसे आपको थोड़ा सा होगा, बाकी और मुझे नहीं पता भी कौन कौन सा इधर होगा जंगली जानवर। तो यार एक और लोकेशन भी है, वो सामने देखें आप पहाड़, ठीक है जी। तो ये है डुमेली भाई हमारा, ये सारा डुमेली है, मतलब वो सामने पहाड़ जितने भी नज़र आ रहे हैं टोटल डुमेली है। चलें अपनी पिक्चर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, और आपको दिखाता हूँ भाई पिक्चर्स अपनी खुद कैसे क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी पिक्चर्स खुद क्लिक करने के लिए ना आपको चाहिए एक ब्लूटूथ, ठीक है, ये सेल्फी स्टिक के साथ आता है, ठीक है, और चार्ज आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ आप अपने कैमरा या फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लें, और अपना फ़ोन कहीं पर भी रखें, और दूर खड़े होकर बस टिक 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 करते जाएं और पिक्चर्स आपकी क्लिक होती जाएंगी। ये बाकी कैमरा शैमरा सामान पड़ा हुआ है अपना भाई साहब। तो फिलहाल पिक्चर बनाते हैं, और यार सूरज ग्रूब हो चुका और बहुत ही प्यारी सीनरी है इसने, कमाल है। मैं एक दो पिक्चर्स पहले क्लिक कर लेता हूँ कैमरे से, क्योंकि ये सीनरी दोबारा मिल तो जाएगी लेकिन फिर मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसे क्यों ना अभी बना लें। तो पिक्चर्स बनाते हैं और फिर आपको शो भी कराएंगे सारा कुछ, और अगर आप उधर ऊपर जाएं तो और भी प्यारा व्यू आएगा, लेकिन इससे प्यारा कहीं नहीं हो सकता यार। इधर अगर मेरे पास कोई बंदा होता ना तो वैसे वीडियो बनाता टिकटॉक, मतलब पहले सीनरी लाता, इधर मैं बैठा होता टांगे ला रहा होता और सामने जो है फिर सारी आबादी आती, तो बड़ा प्यारा व्यू था। खैर फिलहाल खुद ही करते हैं अपने ब्लूटूथ के साथ, ठीक है। यार इधर एक तो सुकून बहुत ज़्यादा है, और जो है क्या कहते हैं मतलब टेंशन से फ्री होना। इस्लामाबाद में क्या होता है जनाब, ट्रेल 5 ट्रेल 6 चले जो, इधर भी यार एक ट्रेल बना हुआ है, ठीक है, खाली बोर्ड लगा देते हैं बाहर, यार इधर भी कुछ हज करके जाते हैं, इधर बाहर को बोर्ड लगाते हैं, इधर आके आप ना मैं हाइकिंग मतलब हाइकिंग ही है किस्म की, जैसे ट्रेल 5 पर ट्रैक बना हुआ उधर, इधर भी ट्रैक बना हुआ है सारा रास्ता, तो आप यहाँ पर हैं तो यार ये बहुत मज़े की लोकेशन है, ठीक है, ये पहाड़ है फिर साथ में ऐसे बंदा पाँव लटका के इधर से गिरूँ ना भाई मेरा बचे कख ना, ठीक है। और खैर यार छोड़ो, कैमरा मैंने इधर छुपा दिया, ऊपर मैंने नहीं रखा, मैंने बोला ये नौको पीछे से गुजरे और बैग उठा कर ले जो बाद साहब बैठे हो वहाँ से मांग रहे हो लोगों से, तो ये है लोकेशन। अच्छा एक और बात यार आपको मैं बता दूँ भाई, हुआ क्या है कि मैं पहले कहीं भी जाने लगता हूँ तो आगे पीछे मशवरा करता हूँ, फिर कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे लोगों की वजह से मतलब दोस्तों की वजह से ना, मतलब दोस्त बोलते हैं यार नहीं थका हूँ गर्मी है ऐसा है वैसा है, उनकी वजह से अपने प्लान छोड़ देते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो सेम मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी आज फैसी को बोला, मैंने बोला शाम को चलेंगे यार बड़ी प्यारी लोकेशन है, उसने बोला नहीं यार मैं नहीं जा रहा। तो पहले मैंने भी कहा भाई छोड़ो रहने देते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा भाई अकेले ही चलते हैं यार कोई नहीं है इंजॉय करेंगे, और इंजॉय कर रहे हैं हम सुकून से बैठ के। आ हा 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 जी। तो गाइस ये है वो जगह जिधर पर जाते हुए स्टे किया था, ठीक है,
अभी आगे जा रहा था मैं, बैग मैंने ये आगे लगा दिया है। ठीक है, मैंने बड़ा कंधा पे बोझ क्यों डालें, बाइक जो है तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं भाई साहब, बाइक पंचर होने का भी खतरा है इस तरफ, सो बी केयरफुली। और ऐसी जगहों पर जाने के लिए ना आपकी जेब में थोड़े से पैसे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो काम पड़ सकते हैं, गिरने लगा तो उधर नीचे भाई बचत होगी है। आए क्या मज़े हैं भाई साहब, चेक किया आपने व्यू, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह।